कि आपके बर्ड, आपकी फैमिली सब हैरो अफेयर से होंगे। आज की वीडियो नेस्टिंग के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, तकरीबन 10-15 दिन तक सब भाई जिनके एरिया का वेदर ठीक है वो बॉक्सेस लगा देंगे। और ब्रीडिंग में जो सबसे अहम चीज़ है वो है नेस्टिंग। तो आज मैं आपको नेस्टिंग मटेरियल के मतलब बताऊंगा कि मैं अपने अव्यारी के लिए कौन सा नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करता हूँ। पता ये है कि तकरीबन सभी शेड्स में ये वाली नेस्टिंग यूज़ होती है जो कि आम किसी भी शॉप से अवेल हो जाती है। तकरीबन इसका बंडल 200 से 300 रुपए का अवेल हो जाता है। नेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, ये यूज़ में भी अच्छी होती है, लेकिन जो नेस्टिंग मैं अपने शेड में यूज़ करता हूँ वो बड़ी स्पेशल है। वो आपको नेक्स्ट बताते हैं कि हम लोग कलेक्ट किधर से करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सीधा शेड से गाड़ी में, वो कैसे? दरअसल अभी यूँ है कि हमारा जो आगे का ट्रिप है ना, थोड़ा एडवेंचर भी होने वाला है। हम लोग, जैसे कि मेरे कुछ फॉलोअर्स को तो पता होगा कि हम लोग बेसिकली कश्मीर से हैं, आज़ाद कश्मीर से ना, तो ये सारा पहाड़ी इलाके, और जो नेस्टिंग हमें चाहिए वो हमें मिलनी है पहाड़ों से। तो चलें जी, कंटिन्यू करते हैं अपने हम लोग ट्रिप को, हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा, तो मैं सोच रहा था आप लोगों को दिखाता चलूं कि ये जनाब हमारा मेंबर है, ये हमारे मेंबर का जो है ना बाजार है, चौक है जनाब, इसे हम लोग कहते हैं समानी चौक। ये रोड जाती है जी सीधा बाबे शादी शहीद की तरफ, समानी चौकी की तरफ। अच्छा, तो हम लोग भी पहुंच आए हैं। दरअसल
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मगरब का टाइम हो गया, अंधेरा स्टार्ट हो गया, तो वीडियो में भी उस तरह क्लियर ना आए, लेकिन चलें जो हमारा वीडियो का मकसद था वो पूरा हो जाता है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये चीज़ है जी, ये है दरअसल जो चिड़नी होती उसके ये पत्ते होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सारा एरिया हमारा जो आज़ाद कश्मीर में ना, हर जगह आपको ये चिड़ नज़र आएगी लगी हुई ना। तो ये चीज़ हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये चीज़ें हैं ना, तो ये हम लोग फिर बर्ड को नेस्टिंग में देते हैं। तो उससे इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे एक तो कीड़ा नहीं लगता, उसके अंदर बॉक्स के अंदर कीड़ा नहीं लगता, और उसके बाद इट्स स्मेल गुड, तो ये चक्कर है इसका। तो मैं अपने व्यूवर्स को, जो ख़ास तौर पर पंजाब के एरिया से आते हैं ना, उनके लिए ये बड़ी बेस्ट चीज़ है। मैं तो कहता हूँ वो इस चीज़ का बिजनेस भी कर सकते हैं, यहाँ से लेके जाएं और वहाँ पे जाके से सेल करें। हमारे फौजी लगे हुए हैं छोटे छोटे एक आध, दरअसल हम लोग लेट हो गए हैं, अंधेरा पड़ गया है तो क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ जी, आप लोग कैसा फील कर रहे हो, क्या इकट्ठा कर रहे हो आप, इधर आओ। ये किसके लिए उठा रहे हो, क्यों ये कलेक्ट कर रहे हो, ये वाले जो पत्ते हैं कौन से परिंदों के लिए, लव बर्ड्स के लिए। ईसा साहब आपने कितने इकट्ठे किए, खोल के बताओ ज़रा, बताओ। हाँ माशाल्लाह, ये जनाब हमारी छोटी टीम लगी हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी नेस्टिंग माशाल्लाह से इकट्ठी कर ली है। अभी दरअसल सीज़न नहीं है, अभी देखिए चिड़ माशाल्लाह से ऊपर, ये आगे पीछे सारा चिड़ है। ये हज़ान के मौसम में ऐसे होता है कि सारे पत्ते गिर जाते हैं, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, तो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। अभी दरअसल अंधेरा भी हो गया, ये देखिए हमारी टीम लगी हुई है जनाब, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में भी रोडों के साथ पड़े होते हैं। अभी दरअसल अंधेरा हो गया। अच्छा जी, ये पहाड़ से वापस उतरते हुए पिंबर शहर का एक खूबसूरत व्यू, जो कि मैंने सोचा चले अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, बहुत ही प्यारा। मेरा कैमरा वो चीज़ नहीं आपको दिखा सकता जो अभी लाइव आंख देख रही है। ये है मेन रोड है, ये गाड़ी खड़ी है सामने हमारी, और ये देखें बहुत ही प्यारा, ये सारा हमारा आज़ाद कश्मीर मेंबर है। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपने देखा कि कौन सी नेस्टिंग हम लोग अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। दरअसल आज हम लोग लेट हो गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते, और वीडियो उस तरह क्लियर नहीं बन सकी, उसके लिए माजरत। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही हम लोग नेस्टिंग जब देंगे बर्ड्स को, आपको वो ब्लॉग बना के आपको आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोग वो नेस्टिंग किस तरह अपने बर्ड्स को देते हैं, वो जनाब उसमें उसके उसका उस नेस्टिंग का घोंसला कैसे बनाते हैं बर्ड्स, वो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।